हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बोट अवेंटर साउंड बार 80 वॉट के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि आज की वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और इसकी साउंड टेस्टिंग करूंगा और बताऊंगा कि ये कैसी है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बाहर से तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसके जो साउंड बार और वूफर आए हैं। तो इसकी अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पैकिंग तो इन्होंने बहुत ही अच्छी करके दी है, तो इस पैकिंग को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी खोल लेता हूँ फटाफट। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी साउंड बार और वूफर दिखाऊंगा। कि पैकिंग वगैरह खोलने के बाद आप लोगों को ये कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें रिमोट वगैरह होगा और कुछ बुकलेट सी होगी। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो वूफर है, जिसे आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं देखने में। और इसका जो वूफर है वो भी कमाल का है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था इसके बारे में उसमें बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ था। बाकी इसको हम टेस्ट करके भी देखेंगे। आप देख सकते हैं देखने में तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इसको हम बाद में खोलेंगे। अब हम चलते हैं अपनी साउंड बार की तरफ। अब हम अपनी साउंड बार निकालते हैं। साउंड बार तो काफ़ी लंबी है, जो हमें फ़ोटो में दिख रही थी जब मैंने ऑर्डर किया था, उसके मुकाबले तो लंबी है बहुत। बाकी देखते हैं अभी साउंड बार कैसी होगी इसकी। जैसे कि आप देख सकते हैं साउंड बार भी बहुत ही अच्छी लग रही है। इसकी भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, पूरी पैकिंग वगैरह खोलेंगे, उसके बाद लगा के देखेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो में। और कुछ भी हमें मिलता है बॉक्स के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स होगा, इसमें आपको मिल जाएगा अडैप्टर जिससे पावर मिलेगी आपकी साउंड बार को और वो चलेगा। तो इस डब्बे को संभाल के रखना है आपको। मैंने फेंक दिया था, फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि इस डब्बे में भी पावर का वो है, तो रखिएगा ज़रूर। फिर जो पैकेट में था रिमोट, जैसे कि आप लोग रिमोट को देख सकते हैं, इसमें आपको वॉल्यूम अप डाउन का मिल जाएगी, ऑप्शन रीसेट की मिल जाएगी, 3D साउंड की मिल जाएगी, इसमें पावर की मिल जाएगी इसमें। और ये ब्लूटूथ से भी चलता है, ऑक्स से भी चलता है, तो ये बहुत ही अमेजिंग है गाइस। तो पन्नी वगैरह उतार लेते हैं अपने वूफर और साउंड बार के ऊपर से, ताकि हम देखें कि वो देखने में कैसा लग रहा है रियल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पन्नी उतार ली और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है गाइस। ये जो उसका वूफर है वो उसके राइट साइड है, और नीचे एक छोटा स्पीकर दिया, ऊपर बोट लिखा हुआ है। देखने में तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है गाइस। और इसके पीछे से केबल आ रही है, इसमें से हम केबल निकाल नहीं सकते हैं। ये मैंने 80 वॉट वाला मंगवाया हुआ है, जो 160 वॉट है उसमें हम ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा महंगा है। पर तो जैसे कि आप अब देख सकते हैं, मैं साउंड बार की पन्नी उतारूंगा और वो देखने में बहुत अमेजिंग लग रहा है अभी। तो बाकी पन्नी उतार के देखते हैं वो रियल में कैसा। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, शाइन मार रहा है अलग सी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये था हमारा बोट का साउंड बार। तो गाइज, अब मैं आप लोगों को इसकी साउंड टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, करण औजला का गाना है, इसमें बहुत सारी बीट्स हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि साउंड बार की में आवाज़ कैसी आती है। तो मैं गाना प्ले करता हूँ। वॉल्यूम मैंने फुल रखी हुई है और बेस भी। तो गाइस, जैसे कि आप सबने देखा भी, साउंड तो काफ़ी अच्छी, और जो उसमें बेस है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी अच्छी साउंड बार है ये। और अगर देखें जो ये ब्लू लाइट होती है, इसका मतलब ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। अगर मैं इसको पावर बटन दबाऊंगा तो रेड लाइट आ जाएगी, इसका मतलब है कि अभी कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है। वैसे ही इसमें ग्रीन और येलो लाइट भी है, जैसे अगर आप ऑक्स वगैरह लगाते हैं तो उस लिए काम आती है वो। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज़। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।